UMP से रेड नंबर तो सभी बंदे मारते हैं, लेकिन क्या आपके ऐसे रेड नंबर पड़ते हैं? अगर आपका आंसर ना है तो आने वाले 5 मिनट के अंदर मैं आपको UMP का किंग बनाने वाला हूँ। उसके बाद UMP से आपके ओनली रेड नंबर पड़ेंगे। UMP से रेड नंबर मारने के लिए सेंसिटिविटी, एमिंग और पेशेंस, ये 3 चीजें काफी है। बात करें सेंसिटिविटी की, लेकिन उससे पहले आज का हमारा फीचर चैनल है PG संदीप गेमर, तो भाई को जाके सपोर्ट करो। एंड अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपका भी चैनल फीचर्ड हो मेरे वीडियो में, तो गाइस आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक लाइक कर दो, उसके बाद कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट कर दो। देन आपको क्या करना है, उस कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इंस्टाग्राम पर भेज दो, एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो भी देना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको भी मिल सकता है मौका मेरे वीडियो में फीचर्ड होने का। अभी बात करते हैं कि क्या होने वाले आखिर बेस्ट सेंचुरी, जिससे कि हमारे ओनली रेड नंबर पड़ेंगे UMP से। तो गाइस जनरल को आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मेन चीज है आपका रेड डॉट सेंचुरी। रेड डॉट सेंचुरी को आपको परफेक्ट सेट करना पड़ेगा, तभी आपके रेड नंबर पड़ेंगे। जब भी आप लोग वन टैप मारने के लिए ड्रैग करते हो या फिर रेड नंबर मारने के लिए ड्रैग करते हो, अगर आपका गोली रिकॉइल करता है तो गाइस आपको अपनी सेंचुरी को कम करने की जरूरत है। लेकिन गाइस जब भी आप लोग ड्रैग करते हो और आपके बॉडी शॉट पड़ते हो, गाइस आपको अपनी सेंचुरी को बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपकी गोली रिकॉइल कर रही है तो आपको गाइस अपनी सेंचुरी को कम कैसे करना है। कम मतलब आपको एकदम जीरो नहीं करना है, आपको सबसे पहले अगर आपका 100 है तो आपको 90 करना है, आपका रिकॉल कितना कर रहा है फिर देखना है। अगर 90 में भी रिकॉल कर रहा है तो आपको 85 करना है, 85 में भी रिकॉल कर रहा है तो आपको 80 करना है। इसी टाइप से आप अपने हिसाब से सेंसिटिविटी को सेट कर सकते, आप अपने रिकॉल को कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, अगर आपकी गोली रिकॉल नहीं कर रही है, आपका एम बॉडी पर चिपक रहा है, आपका सेंसिटिविटी 100 है, तो कुछ लोग बोलेंगे भाई हम अपनी सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो गाइस आप अपने DPI को जाके बढ़ा सकते हो। अगर आपका DPI डिफॉल्ट यानी कि 360 है, तो गाइस आप DPI को 400 करो, आपके कैसे 800 पड़ते हैं, तब आपका सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आई होप कि आपको सेंसिटिविटी के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आप लोगों ने लाइक नहीं किया एंड वीडियो में कमेंट नहीं किया तो यार जाके जल्दी से कर दो, आपको भी फीचर होने का मौका मिल सकता है मेरे वीडियो में। अभी बात करते हैं हमारी ट्रिक या फिर टिप नंबर 2 की, जिसमें कि क्या है कि अगर आपको एनिमी को रेड नंबर मारने है, मतलब कैसे भी करके UMP से आपके ओनली रेड नंबर पड़े, तो गाइस जो आपका एम है वो एनिमी के बॉडी के ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब आपका एम रेड तो होना चाहिए, लेकिन एनिमी की बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप अपने एम को लेफ्ट या राइट में रख सकते हो एनिमी की बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो गाइस ये ट्रिक बहुत यूजफुल है, इसको सारे बंदे यूज करते हैं। एंड अगर आप वन टैप खेलते हो तो ये ट्रिक बहुत काम आती है। मतलब एम को आप जमीन पर रखो एंड एकदम सीधा ड्रैग कर दो, आपका ओनली वन टैप पड़ जाएगा। एंड ये ट्रिक गाइस UMP भी ऐसे की ऐसे वर्क। अब हमारी तीसरी चीज है गाइस पेशेंस। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आप हेडशॉट नहीं पार पाओगे। गाइस यहां पर देखो कि यहां पर मैं रश कर रहा हूं बंदे के ऊपर, उसके बाद देखो यहां पर मैंने 189 का हेड मारा, अब मैंने बोला रश करके इसको मार देता हूं। ठीक है, उसकी हेल्थ गाइस सिर्फ 11 की है। ठीक है, एंड आप लोग देखना कि यहां पर मैं इस एनिमी से कैसे मरता हूं। तो यहां पर देखो एनिमी ने मेरे को कैसे डाउन कर दिया, हालांकि मेरे टीममेट ने यहां पर गेम को जिता दिया। तो गाइस आपको पेशेंस रखना है, हमेशा आपको कवर में रहकर खेलना है। जैसे कोई बंदा एकदम खुले में आता है तो जैसे जैसे मैंने बताया सेंसिटिविटी को ये रखना है, उसके बाद एम को कहां पर रखना है, एंड आप लोग सीधा ट्रैक कर देना भाई, कसम से आपके ओनली रेड नंबर पड़ेंगे UMP से। ठीक है, तो गाइस आई होप कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में बताओ यार। ठीक है, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो दोस्तों।